भिवाड़ी के अंदर अनेक सेक्टरों में व्याप्त अतिक्रमण को हटाने के लिए मंगलवार को बीड़ा ने अभियान चलाया। बीड़ा ने भिवाड़ी के बीड़ा सेक्टर 1 एवं 2 में लोगों के द्वारा रोड के किनारे किए हुए पक्के निर्माण एवं कच्ची झुग्गी झोपड़ियों को साफ करवाया। इस दौरान नगर परिषद एवं बीड़ा के उच्च अधिकारी पूरे भारी पुलिस लवाजमे के साथ मौजूद रहे। बीड़ा CO रोहतास तोमर भी कुछ देर के लिए मौके पर मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर परिषद पूर्व सभापति संदीप करने सड़क पर उतरे, उन्हें भी अधिकारियों ने समझा कर वापस भेज दिया। कुछ लोगों का विरोध है कि उनकी जमीन का बीड़ा के द्वारा पैसे भी नहीं दिया गया और जबरदस्ती उनकी बनाई हुई दुकान व मकानों को तोड़ा जा रहा है। इधर टपुकड़ा तहसीलदार अजीत पाल यादव मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सभी लोगों का मुआवजा दे चुके हैं। मुआवजा देने के बाद भी जिन लोगों ने रोड के किनारे पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है उन्हें तोड़ा जा रहा है। यह कार्रवाई बीड़ा के CO रोहतास तोमर के निर्देशन में की जा रही है। अभी बाकी बीड़ा सेक्टरों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मौके पर टपुकड़ा तहसीलदार अजीत पाल यादव, भूआपति अधिकारी कमल यादव, DSP हरिराम कुमावत, मैं पुलिस जब्ते के मौजूद रहे। देखो, विरोध की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे जैसे जो भी जमींदारों की जो जमीन बची हुई है जिन्होंने पेमेंट नहीं उठाया उनकी बनी हुई है दुकान वगैरह। अभी हमारी सभी इन अधिकारियों से भी बात हुई है, इन्होंने भी यही कहा है कि जो हमारी जिनकी पेमेंट उठ चुकी है वो अवैध तरीके से जो बैठे हम उनको हटाएंगे। तो हमने उनको उनके लिए सबको कह दिया है जो तुम्हारी जमीन है बिड्डा की है जो जिन्होंने पैसे उठा लिए वो उनको हटा दीजिए। पेमेंट तो इसलिए नहीं उठाया ना कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन का हम बेके नहीं बेके हो तो अपना खुद का वो है ना। अब ये तो सरकारें हैं, आज किसी की भी जमीन को अखबार कर ले ऐसा थोड़ा कुछ नहीं है। बिड्डा ने नहीं, UIT जब थी पहले UIT ने खुद ने भी जो जिन्होंने पैसे नहीं उठाए थे उनकी ज़मीन इन्होंने पास भी की हुई है। उन लोगों के आज बने हुए मकान और दुकान सब चीजें क्या ग्रामीण तो इनको भी करनी चाहिए। इनको अधिग्रहण नीति से संतुष्ट नहीं है, जिस तरीके से अधिग्रहण किया गया है, जो एक्वायर किया गया है, जो वो पैसा आपको दिया गया है उससे संतुष्ट नहीं है या नीति से संतुष्ट नहीं है? कोई भी संतुष्ट नहीं है, सब लोग अपनी जमीन को पास कराना चाह रहे हैं। UIT अपने नॉर्म्स के हिसाब से पास कर दे, सबने फाइल लगाई हुई है। मतलब कॉमर्शियल कन्वर्ट कराने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है, कोई कॉमर्शियल में कराएगा okay. कोई रेजिडेंशियल में कराएगा, जिसकी जैसे जरूरत के हिसाब से करा रहा है। मतलब देना नहीं चाहते, बेचना नहीं चाहते, उसका पैसा नहीं उठाना चाहते। नहीं, आज तक ही नहीं बेका, जब 30 साल हो गए तो अभी क्या बेकेंगे। तो अभी जैसे कह रहे हैं कि मालिका ने हक बीड़ा का है उसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? वो बीड़ा ने तो नाम चढ़ाई हुई है, कोर्ट में पैसा डाल दी, तो हमने तो किसी ने यहाँ जितने भी जो जमींदार हैं इन्होंने पैसे नहीं उठाए ना, तो या तो कोर्ट डिसाइड करे उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो। अब वो बातें इन्होंने मानी भी है और अभी जो लोग रोड पे बैठे थे अवैध कब्जा करके उनका थोड़ा बहुत जो भी हटाया है।